खास बुलेटिन में मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ, जहां महादेव सत्याप केस में ईडी की रिपोर्ट पर यूडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कई धाराओं में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया, बघेल समेत 21 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई अज्ञात पुलिस अफसर और कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं। ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि महादेव ऐप प्रमोटर्स को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐप के प्रमोटर्स की ओर से कार्रवाई रोकने के लिए इन आरोपियों को बड़ी राशि नियमित रूप से प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी गई। यह प्रोटेक्शन मनी हवाला के जरिए दी जाती थी। आपको बता दें कि ईडी करीब एक साल से महादेव ऐप से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के शामिल होने का पता चला और ऐप के दो मुख्य प्रमोटर भी छत्तीसगढ़ से ही हैं। ईडी के मुताबिक इस मामले में करीब 6000 करोड़ रुपए की आय हुई है। वहीं एफआईआर के बाद बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एफआईआर के बाद भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर हमला, राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई की गई है। बघेल ने कहा, दबाव के तहत मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि मामले में जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एजेंसियों की भूमिका जो मामले आते हैं सामने और उस पर जांच की रहती है, अगर आप दोषी नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति किसी उसमें दोषी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वो जांच की एजेंसियों के द्वारा जो बयान लिए जाते हैं, जो इसमें से जो जो लोग सम्मिलित हैं उनके नामों के आधार पर जो जाँच प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के भय और डर का बात ही नहीं है। अगर निर्दोष होगा कोई इसमें तो बच जाएगा, अगर दोषी होंगे उनकी संलिप्तता होगी कहीं ना कहीं से तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और खबर दुर्ग से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ताकत झोंक दी। लोकसभा स्तरीय सम्मेलन हुआ जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया। दुर्ग से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने इस सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। वहीं भूपेश बघेल पर हुई एफआईआर को लेकर विजय बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा छत्तीसगढ़ को गर्त में डूबेगा, उसका यही हाल होगा। जो चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा और छत्तीसगढ़ को गर्त में डुबोएगा, उसको तो उसकी हाल तो ऐसे होनी थी। ये तो पहले से ही तय था, आज एफआईआर हुआ है और आगे और देखिए क्या क्या होगा। कांग्रेस आरोप लगाती है बार बार कि जब चुनाव आता है तब भी इस तरह का एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है, चुनाव वो अपना कार्य करते रहती है। इनको ऐसा लगता है कि चुनाव आया तभी कर रहे हैं, इससे पहले भी हुआ था, उसके पहले भी होता रहा है और ये पहली बार हुआ है क्या? इसके कांग्रेस के लोग कई तो जेल में हैं, कई बेल में हैं, कई जेल जाने के रास्ते में हैं, ये तो लगातार चल रहा है। वहीं बात करेंगे कोरबा में, कांग्रेस को झटका लगा। 1200 से ज्यादा कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के पाली नगर पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता शैलेश सिंह ठाकुर बीजेपी में शामिल हुए। सरोज पांडे की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के दौरान की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप देखिए जहां बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन करने वालों की कतार और बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। 1200 से ज्यादा कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन किया।
तो सरोज पांडे की मौजूदगी में इन सभी ने बीजेपी ज्वाइन किया है और आप देखेंगे भगवा रंग का गमछा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई है और कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। और एक बार फिर से जैसा कि कल ही डेट अनाउंस हुई है और उसके बाद कांग्रेस में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है वो आपको मालूम है, लेकिन आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो कुनबा है कांग्रेस का वो भी कम होता हुआ लगातार नजर आ रहा है। कल छत्तीसगढ़ के बाकी बचे उम्मीदवारों का कांग्रेस ऐलान करेगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि कल सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों पर फिर से चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि कल शाम तक लिस्ट जारी हो सकती है। जो बाकी ऐसे नाम छत्तीसगढ़ के 5 नाम अभी शेष हैं उनमें मुझे लगता है कल चर्चा होने के बाद कल शाम तक संभवतः ऐलान हो जाएगा। वहीं बीजेपी नेता राजेश मूणत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बागी नेताओं के कांग्रेस वापस ज्वाइन करने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर पैसा लेकर सीट बेचने का आरोप लगाती थी। सीटें घोषित कर पा रहे, सीटें घोषित नहीं कर पा रहे, गुटबंदी था कांग्रेस में। कल तक विधानसभा चुनाव हारने के बाद में यही कांग्रेस के नेता लोग कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते थे, उनके प्रभारी के ऊपर सवाल उठाते थे। यही लोग कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते थे कि पैसा लेके टिकटें दे दी है। आज यही वापस तो सेम अपनी पार्टी का चिंतन कांग्रेस पार्टी। खबर कवर्धा से जहां कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ममता चंद्राकर से उनकी सुरक्षा को सरकार ने वापस ले लिया है। ममता चंद्राकर ने सुरक्षा में लगे पीएसओ वापस लेने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कवर्धा नक्सल प्रभावित है, फिर भी सुरक्षा वापस ले ली गई। उन्होंने पूछा कि बीजेपी के पूर्व विधायकों से सुरक्षा क्यों नहीं वापस ली गई है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री सुरक्षा फिर से देने की गुहार की है, मांग की है। के माध्यम से माननीय विजय शर्मा जी को कहूंगी कि ऐसी लापरवाही ना करें। महिलाओं को बेहद सुरक्षा जरूरी है हमारे, चूंकि कबीरधाम जिला नक्सल क्षेत्र प्रभावित जिला है और यहां आए दिन जो मर्डरों की संख्या वो बढ़ रही है, लगभग 8 से 9-10 मर्डर हो चुकी है। और ऐसे हालातों में उन्होंने हमारा जो सुरक्षा है उनको वापस बुला लिए हैं, तो मैं आप सबके साथ यही कहूँगी कि हमारा सुरक्षा वापस दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां जारी हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश महादेव क्षीरसागर ने कहा क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 2.5 करोड़ वोटर्स है, इसमें 1.5 करोड़ लगभग के महिला वोटर्स है और बाकी बचे हुए पुरुष वोटर 1.2 करोड़ के लगभग है। तो इस तरह से पूरे मतदान यादि भी पूरी बनी है, लेकिन जो सतत प्रक्रिया के अंतर्गत अभी भी अगर कोई लोग छूटे हैं उनका नाम जोड़ा जा सकता है। इसके साथ बाकी सभी हमारे जो मतदान केंद्र है उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जिसको कहा जाता है AMF, यानी शौचालय हो, पानी की व्यवस्था हो, वो सभी व्यवस्थाएँ भी सभी हमारे जो मतदान केंद्र है वहाँ पर की गई है। अंबिकापुर का संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जब कुल सचिव ट्रांसफर होने के बाद आज रविवार को छुट्टी का दिन होने के बाद यूनिवर्सिटी पहुंच गए। इन फाइलों में छेड़खानी के आरोप लगे हैं। विनोद एक्का के तबादले के बाद यूनिवर्सिटी पहुंचने की खबर जैसे ही कुलपति को लगी वो भी विश्वविद्यालय पहुंची और कहा कि छुट्टी के दिन उनका आने का औचित्य नहीं बनता। वहीं कुल सचिव ने फाइलों में छेड़खानी के आरोपों से इनकार किया है। शिकायत के बाद तबादला हुआ था कि इनका ट्रांसफ़र हो गया। ये मेरे पास भी माने VC वाले ग्रुप पर व्हाट्सएप पर आया है, इनका ऑर्डर ट्रांसफ़र तो हो गया है। और मुझे जब पता चला कि आज यहाँ पर जो है कुछ लोग आ गए हैं और कुछ भीड़ है और कुछ पत्रकार भी हैं और कुछ और भी, तो मैं इसीलिए, और ये भी था कि शायद किसी ने कहा, झूठ भी हो सकता है, जो भी यहाँ की कुछ फाइल है और इस तरह की चीज़ों में छेड़छाड़ हो रही है, हटाई जा रही है, तो मुझे दौड़ करके छुट्टी के दिन भी मुझे थोड़ा दौड़ करके आना पड़ा। ये कहना बेबुनियाद है। मैं किसी भी छुट्टी के दिन, संडे हो या तो सैटरडे हो या वीक में कभी छुट्टी हो, मैं ऑफिस में जाता ही हूँ। मैं, ये मेरा रिकॉर्ड है, जरूर काम पड़ता है, परीक्षा काम पड़ता है, गोपने का काम पड़ता है। अब ये कहना है कि वो ट्रांसफ़र होने के पहले आ गए, ये कहना, ये तो
बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, ये आरोप भी बेबुनियाद है। फाइल को छेड़छाड़ करना मतलब क्या होता है, कोई फाइल को फाड़ना, ये करना, जबकि मैं तो फाइल को विस्तृत कर रहा था, कल जो भी व्यक्ति आए उनको मैं सूचीबद्ध करके हैंडओवर कर सकूं। और अब बात कांगड़ से बड़ी खबर की, जहां मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ। इनामी नक्सली कमांडर मनकेर ढेर किया गया है। नक्सलियों की कंपनी नंबर 5 से मुठभेड़ हुई थी जवानों की, और घटनास्थल से लॉन्चर भी बरामद किया गया। अलपरस और ककनार के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, और देखिए नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है, और साथ ही 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी जवानों को मिली है। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उस दौरान की, जिस वक्त नक्सली को मार गिराया गया और शव भी बरामद किया जा चुका है। 8 लाख का ये इनामी नक्सली जो कि पिछली कई वारदातों में शामिल रहा है, और साथ ही बड़ी मात्रा में जो सामान है वो भी बरामद हुआ, लॉन्चर भी बरामद किया गया है। कांगेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान मिला देसी बुलेट प्रूफ जैकेट। जी हां, नक्सलियों ने बनाया देसी बुलेट प्रूफ जैकेट। पॉलीथीन कंबल और स्टील की प्लेट से ये जैकेट बनाई गई है। 3 गोलियां मारी गई थी, जिनमें एक गोली पार हुई है, और आप देखिए प्लेट में गोली के निशान भी है, इनमें से एक गोली पार भी हुई है। देसी जुगाड़ से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की ये कोशिश। हालांकि इस तरीके की जैकेट का इस्तेमाल करके कई नक्सली बच भी जाते हैं, लेकिन जब 3 गोलियां लगी इस दौरान एक गोली पार हो गई। में जो बरामद हुआ है सामान, उसमें एक देसी बुलेट प्रूफ टाइप का एक सामान भी दिखा है, जिसमें कंबल लपेट कर उसके ऊपर एक प्लेट फिक्स किए हैं, और उसमें 3 गोली भी लगी है जो बरामद हुआ है। तो ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शायद एक बुलेट प्रूफ जैसे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आंध्र की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की होगा, देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, आप देखेंगे विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार का नारा लगातार प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है, और आज मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। वहीं कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ अनशन। 3 महिलाओं की अचानक से तबियत बिगड़ गई, मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। 44 दिन से कर रहे आंदोलन, नौकरी की मांग को लेकर यह अनशन किया गया। कोरबा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ अनशन, जहां 3 महिलाओं की अचानक से तबियत बिगड़ गई, मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। 44 दिन से महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, नौकरी की मांग को लेकर यह आंदोलन महिलाएं कर रही हैं। वहीं जगदलपुर में अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भिलाई और दुर्ग के रहने वाले आरोपी व्यापारी का उसके दुकान से अपहरण किया गया था। ओडिशा की ओर भागे थे बदमाश। पुरानी रंजिश में अपहरण की साजिश रची गई थी। भानपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। मैं
व्यापारी के यहाँ से सूचना हमको मिली थी कि कुछ लोग आए हैं, उनके साथ में थोड़ी मारपीट करके उनको गाड़ी में बैठाया गया और उसके बाद गाड़ी को जगदलपुर की तरफ वहाँ से ले जाया गया था। तत्काल सूचना मिलने पर हम लोगों ने घेराबंदी की, नाकेबंदी की पूरे नेशनल हाईवे पे, और हम लोगों को जगदलपुर से थोड़ी पहले हम लोगों को उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने में सफलता मिली। हमने गाड़ी को पकड़ लिया है और गाड़ी से जो व्यक्ति जिनको उठाकर ले जा रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है, और जो चार पांच व्यक्ति जो आकर के जिन्होंने मारपीट की थी और गाड़ी में बैठाया था उनको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। सभी की पूछताछ। वहीं रायपुर में डकैती की कोशिश की गई, नया रायपुर में डकैती की कोशिश की घटना सामने आई है। माना में डकैती से एक दिन पहले की कोशिश, जहां डकैती की कोशिश का सीसीटीवी भी सामने आया। दोनों ही जगह पर डकैती में एक ही पैटर्न आजमाया गया, अपनाया गया। पत्थर गैंग पर डकैती करने का आरोप लगा है। एमपी और यूपी में ये गैंग सक्रिय है। कोरबा में मासूम के अपहरण की कोशिश, सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र की घटना है। तीन युवकों पर लगे आरोप, जहां रिश्तेदार की सक्रियता से बड़ी वारदात टली। परिजनों की शिकायत पर जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं गरियाबंद में उठाईगिरी करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीन आरोपी जो कि 3 लाख की उठाईगिरी करने का इन पर आरोप है। तीन आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। बाइक से पार किए थे 3 लाख रुपए, जिनमें से तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये देखिए तस्वीरें, जहां 3 लाख की उठाईगिरी की गई है। मामले में भीमकोच के 2 आरोपी शिवा नेता पिता मूलचंद, नेहा यादव पिता ललित यादव, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। और मामले में चोरी गए समस्त मसू को 3 लाख रुपये बरामद किया गया है। प्रार्थी संगीत यादव IDBI बैंक से पैसे निकालकर रास्ते में रुके हुए थे। एक ठेले पर सिंहेश्वर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 लाख रुपए की उठाईगिरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इन तीनों आरोपियों में से एक महिला है और एक नाबालिग है। ये क्या कहते हैं, पीड़ित के अनुसार जब वो राजीव से 3 लाख रुपए पैसा बैग में भर कर ला रहे थे, तब उनका रेकी किए और बोरसी के पास ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है और लूट कर चले गए। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी भीमखोर से है, आदतन ही अपराधी है और इसी तरह के वारदात को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली और रिपोर्ट मिली तो तुरंत तत्काल एक्शन मोड पर आए और तीनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इनसे कैश भी बरामद किया गया है। तो सिंहेश्वर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां 3 लाख रुपए के उठाईगिरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए कुल एक नाबालिग के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। वहीं कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी हुए देवी यात्रा में शामिल। बाजे की धुन पर झूमते दिखाई दिए भोजराज नाग। सरहा बैगा संघ से जुड़े हैं भोजराज नाग। बस्तर में देवी देवताओं के मिलन समारोह को कहा जाता है देवी यात्रा। चलिए अब देखेंगे टॉप 20।